हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये कोई प्रोडक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो एक इनिशिएशन के लिए वीडियो बनाया मैंने। मतलब इस चैनल पर आगे आपको क्या क्या देखने मिल सकता है या फिर अभी मैं क्या क्या इनिशिएट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन का वीडियो तो मैं नहीं बोल सकता, बट एक फर्स्ट स्टेप है हमारा ये। मतलब ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने का, एंड इस बेस पे मैं सेलिब्रेट नहीं, इनिशिएट करने आया हूँ। मतलब कुछ सारी चीज़ें, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने एंड से। जैसे कि आप ये चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको मालूम होगा कि मैं चैनल पे इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और मतलब लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अभी आनी बाकी है। एक ही वीडियो फ़िलहाल अपलोडेड है और भी आने वाली है। ये सब प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी इसके आगे का मैंने एक स्टेप सोचा है कि अभी अपने चैनल पे मतलब और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है। तो ये वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि और क्या क्या हमने इनिशिएट किया है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो इस खुशी में मैंने ये सब या फिर इनिशिएट किया है। फर्स्ट फाइनेंशियल सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल सीरीज़ क्या है आप बोलोगे, तो मैं आपको बता दूँ, एक ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में क्या होने वाला है। मतलब ये सीरीज़ में फाइनेंशियल सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होगी फ्रेंड्स कि जिसमें आपको एक जो बोलते हैं ना इंटरनल, मतलब आपको खुद सेल्फ एनालिसिस आप कर पाओगे वो बेसिस पे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लोगों को रिस्क के बारे में पता नहीं होता है कि कितना रिस्क का इन्वेस्टमेंट हम लोग को कभी करना चाहिए या फिर कौन से फेज़ वाइज हम लोग को इन्वेस्टमेंट या फिर खुद का प्रोटेक्शन का देखना चाहिए। तो ऐसा मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। तो जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी एज है इतनी, मतलब 25-30 एज है, तो आपको प्रोटेक्शन कब से स्टार्ट करना चाहिए, मीन्स आपको टर्म इंश्योरेंस वगैरह कब लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कैसा रहना चाहिए आपका, कौन से बेस पर आपको रिस्क अलॉट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, या फिर आपको कितना कवर कौन सी एज में लेना चाहिए। मतलब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में, वो क्वेश्चंस का आंसर ये वीडियोस आपको देगी, ये सीरीज़ आपको देगी। ये एक वीडियो का काम नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी सारी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट में और इंश्योरेंस में। आपका क्वेश्चंस का हर एक आंसर प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करने वाला हूँ ये सीरीज़ में। अगर अभी आपका सवाल होगा ये वीडियो कब आएगी, इसकी पहली वीडियो आपको जल्द ही देखने मिलेगी, ये वीक में या फिर ये फ्राइडे तक आपको ये देखने मिलेगी। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो अपलोड होगी और इसका ऐसे कोई ये नहीं रहेगा फ्रेंड्स कि आपको मतलब जैसा हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट वीडियो तो चालू ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि वीक में वन टाइम कोई भी एक ही वीडियो अपलोड होगी, ये एडिशनल है। प्रोडक्ट नॉलेज तो आपके साथ शेयर होते ही रहेगी हर एक कंपनी की, मैं अभी मैं आगे उस पर भी आ रहा हूँ मैं और क्या क्या करने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल सीरीज़ में आपको पहले ये सब देखने मिलेगा कि आपको यहाँ पर एनालिसिस रहेगी, सेल्फ एनालिसिस आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और सेकेंड चीज़ ये मोस्टली मैं वीडियो का फ्रीक्वेंसी भी बता देता हूँ कब कब डालूंगा। मोस्टली आप पकड़ के लीजिए कि 15 डेज में एक बार ऐसी वीडियो आएगी चैनल पे, और जनरल वीडियोस जो मैं वीकली वन डालता हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट नॉलेज की, वो तो आती ही रहेगी, ये एडिशनल है। और सेकंड थिंग, एक बड़ी चीज़ और एक मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जैसे कि नॉलेज सीरीज़। अब ये नॉलेज सीरीज़ क्या है कि कुछ लोगों को मेडिक्लेम के टर्म्स, इंश्योरेंस के टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होता है, मतलब तो वो आप ब्राउशर क्या पढ़ेंगे। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन, आपको सपोज़ मैं इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसका मतलब क्या होता है वो चीज़ का। फॉर एग्जांपल मेडिक्लेम के टर्म्स में बात करूं तो को पेमेंट होता है, डोमिसलरी एक्सपेंसेस होती है,
रिस्टोरेशन बेनिफिट होता है, ऐसे मल्टीपल टर्म्स होते हैं। मैं इसका आपको बताता हूँ बहुत बार, और या फिर कोई एडवाइज़र आपके पास आता होगा वो भी बताता होगा ये सब टर्म्स इसमें ये है वो है, लेकिन आपको खुद को पहले पता होना चाहिए कि वो टर्म्स सब क्या क्या है। तो ये एक मैं नॉलेज सीरीज़ का अनाउंस कर रहा हूँ, जैसे कि इसका 2 मिनट्स मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा 2 मिनट्स में सम अप करने के लिए ये वीडियोज़, बिकॉज मतलब आपको देखने में भी इंटरेस्ट आए और आपको मीनिंग भी पता चल जाए, ऐसा मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि नॉलेज सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको मतलब हर एक टर्म्स के बारे में एक एक वीडियो मैं डालूँगा। इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स, मंथ में सपोज मतलब हर वीक एक वीडियो इसकी भी मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए, और हर एक टर्म्स हम लोग कवर करेंगे। छोटी से छोटी टर्म भी मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो आपको पता नहीं होगी। जनरली आप मुझे कॉन्टैक्ट करते ही हो, लेकिन एक इन जनरल मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैं मतलब मैंने वही बेस पे असिस्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके कॉल्स जितने आते थे आपके क्वेरीज आते थे वो बेस पे मैंने ये डिसाइड किया। थर्ड चीज़ पे आता हूँ, इन्फॉर्मेशन अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, ये मैं 3 चीज़ इनिशिएट कर रहा हूँ अपने एंड से। अभी बहुत लोगों को ब्राउचर्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब पर्सनली आपको मांगना पड़ता है बहुत बार, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका राइटअप रहता है मेरे पास, ऐसा बहुत सारी चीज़ रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतनी बड़ी फाइल्स शेयर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए टेलीग्राम का भी मैंने ऐड ऑन किया है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं एक पब्लिक चैनल बना रहा हूँ, आप सर्च कर दोगे ना टेलीग्राम पे, मैं उसका लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन का हर एक चीज़ का, लेकिन आप सर्च कर दोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा अमिश ठक्कर फाइनेंशियल एडवाइज़र, खाली आप डाल दोगे तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। आपको जो भी चैनल में आप फिर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर पहुँचते जाएगी हर एक चीज़ के। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फाइल्स तो नहीं होगी शेयर, लेकिन मैं कुछ कुछ इमेजेस शेयर करूँगा, जैसे कि मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस रिलेटेड इमेजेस रहेगी। डेली बेसिस पे वहाँ पर भी आपको अप टू डेट रहेगा, और आप क्वेरीज पर्सनल भी कहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल रहूँगा। तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम और फेसबुक भी मैं दूंगा, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन अनदर एस्पेक्ट ये भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कहाँ पे जुड़ना है, तो वो मैं ये 3 चीज़ इनिशिएट कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है कंपैरिजन वीडियोस। आपका रिक्वायरमेंट्स आपके एंड से काफ़ी कमेंट्स मैंने पढ़े, आपके फीडबैक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंपैरिजन वीडियोस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपको मल्टीपल कंपनीज का कंपैरिजन चाहिए जैसा आपने आपका रिक्वायरमेंट आया था। फिलहाल मैंने मैक्सिमम स्टार हेल्थ की वीडियोस डाली है और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC की वीडियो डाली है, लेकिन अपकमिंग हमारा प्लान यही है कि अभी रैली गेयर HDFC ये फॉर एग्जांपल लिखा हूँ, मैक्सिमम कंपनीज मुझे कवर करनी है, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ वो। तो आप इसके लिए मेरा चैनल ट्यून इन करके रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो और आपको अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है आपको, और आपके फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी आपको अगर ये नॉलेजेबल लगता है ये चैनल, तो आप उन्हें भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स, इन्वाइट कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रैलीगेयर HDFC जैसे कि मैंने बताया, स्टार LIC HDFC लाइफ और SBI लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस का और ऊपर वाला हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो ये सब कंपनी फॉर एग्जांपल लिखा है मैंने, इन डायरेक्ट कंपैरिजन करूँगा, जैसे कि उनका जो बेस प्रोडक्ट रहेगा उसको डायरेक्ट कंपेयर करूँगा, उनका जो VIP प्रोडक्ट रहेगा उसको भी डायरेक्ट कंपेयर करूँगा, और डिटेल्ड कंपैरिजन मिलेगा। फ्रेंड्स आपने मेरी बाकी भी वीडियोज़ देखी होगी, जितनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहती है वैसी ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हर एक कंपनी की मिलने वाली है। अगले पॉइंट पे आते हैं, इंग्लिश कंटेंट। फ्रेंड्स जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर इंग्लिश कंटेंट की भी मांग कर रहे हैं, जैसे कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ बिकॉज सबको जनरली समझ में मतलब आनी चाहिए इसके लिए, लेकिन इंग्लिश कंटेंट भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ अभी,
अभी मैं सेपरेट चैनल बनाने का डिसीजन नहीं लिया हूँ फिलहाल, और यही चैनल पे मैं इंग्लिश कंटेंट भी डालूंगा, सिर्फ हिंदी जो कंटेंट रहेगा उस पे इन हिंदी टाइटल में मैं लिखने वाला हूँ और इन इंग्लिश लिखने वाला हूँ, तो वो बेस पे सेग्रीगेट करूँगा। तो आप वो बेस पे वीडियोस देख सकते हो, इंग्लिश कंटेंट भी ला रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को राइटअप तो समझ में आ जाता है, मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि राइटअप मुझे राइटअप से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो हमको इंग्लिश कंटेंट भी चाहिए, तो उनके लिए इंग्लिश कंटेंट का भी मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ। और अब बात करते जो ऑलरेडी मैं फीचर कर रहा हूँ ये चैनल पे, उसके बारे में इसको एनहेंस करने का मेरा प्लान है थोड़ा, जैसे कि डिटेल नॉलेज है, लेकिन मुझे मैं सोच रहा हूँ कि एक पहले जैसा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक बार मैं सब दे देता हूँ, वैसा मैं अभी सोच रहा हूँ कि पहले मैं ओवरव्यू बताऊँ इन प्रोडक्ट का, फिर बाद में उसको डिटेल एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज आपको फिर उसमें अच्छे से समझेगा, ऐसा एनहेंस कर मैं करने वाला हूँ। ऑलरेडी आपको पता होगा ये चैनल पे हो तो आप, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अभी तक वीडियो डाल रहा हूँ, ये सब ऊपर के जो मैंने चीज़ बताया वो अभी इनिशिएट करने वाला हूँ मैं। देन अपडेटेड एंड रिवाइज इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी भी, और भी आगे जो भी अपडेट्स आई थी मैं अपलोड करता हूँ और पिन भी करता हूँ ओल्ड वीडियो के ऊपर, कि आपको डाउट ना हो कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं देख रहे हो, एकदम रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन ही अब तक मैं पहुँचाऊँगा। अभी भी बहुत कुछ आने वाला है, FHO फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, जिसको ओवर 135,000 व्यूज़ अब तक मिल चुकी है, मतलब अराउंड 135, तो वो वीडियो भी अभी थोड़े बहुत चेंजेस है उसमें, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में, उसका भी मैं एक रिवाइज वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी। तो आप चैनल स्टे ट्यून करके रखिए। इन दी एंड ये वीडियो काफ़ी बढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स, तो इन दी एंड मैं खाली आपको एक बार यही बता दूंगा कि आपको ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन और लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन भी करूंगा कमेंट में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और सेकेंड थिंग ये सब जो लिंक मैं आपको दूंगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू एवरी वन, बिकॉज आप लोग के ही सपोर्ट से हम एक फर्स्ट स्टेप पहुँचे हैं ये चैनल का, मतलब 1% भी नहीं बोलूँगा, एक बहुत लंबा अभी रास्ता तय करना है ये चैनल को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स एवरी वन, इट इज़ जस्ट ए फर्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने लिखा है, ये खाली फर्स्ट स्टेप है, आगे बहुत कुछ और रिकग्निशन मिलेगा, मिलना मतलब मिलने वाला है चैनल को, या आपके तरफ से सपोर्ट जारी रखिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए चैनल पे। स्टे ट्यून फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।